सारे विद्यार्थियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जिस तरह की लास्ट लैक्चर आप गल की सी वक् वक् तरह सिलाई मशीन वस्त्र बनाने लई या जोड़न लई उन्हां दे पल्लियां नूं फ्रंट बैक बाजू कॉलर नूं जिदे विच कल डिस्कस किया सी आपां ने ओवरलॉक मशीन ते फ्लैट लॉक मशीन। दोबारा हल्का जिहा रिपीट कर दिंदा, ओवरलॉक मशीन की आ जदों आपां सिलाई कर लैंदे आ उस तो बाद धागे ना निकलन प्लस फालतू ता जिहड़ा कपड़ा आ उहनूं इकसार करन लई की वरतों करते ओवरलॉक की लुपर जेडे कटर जेडे कपड़े नू फालतू नू कपड़े नू कट के इकसार कर देंगे ने लुपर उन्होंने की कर देंगे उपर दी कुंडिया नाल लॉक कर देंगे। ये काम ओवरलॉक मशीन का जिहड़ी कि कपड़े विच होर जान पा देंदी है ताकि थोड़ा कपड़ा जिहड़ा आ गारमेंट वह खराब ना होवे। इदां लिंकिंग थोड़ी फ्लैट लॉक मशीन सी, ठीक है। फ्लैट लॉक मशीन की है समानांतर सिलाई करन लई स्पोर्ट्स वीयर दे विच उहदी ज़्यादा वरतों हुंदी है क्योंकि उहदे पट्टियां लगदियां ने समानांतर पट्टियां लगदियां कपड़े दियां, ठीक है। या उहनूं डेकोरेट करन लई प्लस किसी भी तरह के जिग जैग डिजाइनिंग करन लई गाइडना दे जिहड़े आ पार्ट्स दी उह वरतों करदे आ। इह जिहड़ी आपां फ्लैट लॉक दे विच इस्तेमाल कर लैंदे आ। इस तों बाद दो मशीनां दी होर आपां डिस्कस करांगे, इक तां सिलाई मशीन ते लिंकिंग मशीन। सिलाई मशीन हरेक वस्त्र जिहड़ा आ पल्लिया नूं जोड़न लई वरती जाती है। पहला आपां सिलाई करते हैं, ठीक है, फिर उन्होंने जिहड़ा अंदरली साइड तो ओवरलॉक करते हैं, फिर फ्लैट लॉक दी भी जिथे वरतों करनी उत्थे भी वरतों करते हैं, ठीक है। पर अज की डेट में जिहड़ियां ने नॉर्मल सिलाई मशीनों की वरतों ना करके बहुत ही वधिया ब्रांड दियां कंपनियां आ गई ने, फॉरन दियां मशीनां आ गई जिवें जुकी है, ठीक है। वो बहुत ही हाई स्पीड मशीन है क्योंकि इंडस्ट्री डिपेंड करती है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन किदे नाल निकल जो टेक्नोलॉजी अपडेट हो, टेक्नोलॉजी लई कीड़ियां मशीनां आ गई, जुकी मशीन आ गई जिन्हां दी पर डे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा आ, हाई स्पीड मशीनां ने। इन्हां दे विच तुसीं ध्यान रखना जदों मशीनां हाई स्पीड मशीनां ते काम करना और फैब्रिक निटिड होवे ते उह बहुत दबाव इहो जिहा रखना, ना ज़्यादा घट ना ज़्यादा होवे क्योंकि नीटिंग दे फैब्रिक दी जिहड़ी आ सिलाई करना बहुत मुश्किल आ किदे कंपैरिजन वोवन दे फैब्रिक, क्योंकि वोवन दे विच स्ट्रैच नहीं हुंदी, नीटिंग अपने आप च ही स्ट्रैच हुंदी आ, उहदे विच लचक हुंदी आ। जदों लचकदार कपड़े नूं आपां ने सिलाई करना ते उह बहुत ही ध्यान नाल करना, ना आपां दवा ज़्यादा पाना ना घट पाना, तां कि जे दवा ज़्यादा पाता सिलाई करते उस तों बाद छड्डता तो कपड़े ने इकट्ठा हो जाना जां सिलाई ने इकट्ठा हो जाना, वह गारमेंट गलत हो जाना। इसलिए जिहड़ी आ हाई स्पीड मशीनां विच होर भी ध्यान नाल करना पैंदा कि दवा बिल्कुल नॉर्मल रखना ताकि आपां सिलाई कर सकीए। ते सिलाई मशीन दा काम की आ, पल्लिआं नूं जोड़ना, ठीक है। पर सारी जगह सिलाई मशीन नहीं काम करेगी, सारिया स्पोर्टिंग मशीनों ने सिलाई मशीन के नाल ओवरलॉक भी सपोर्ट कर दिया, फ्लैट लॉक भी कर दिया। तो लिंकिंग मशीन की मैं गल की, लिंकिंग मशीन की एक गोल मशीन हैगी है। लिंकिंग मशीन नूं आपां ज़्यादातर सर्दियों के वस्त्र पल्लिया नूं जोड़न लई काम करते हैं, जिमें गले नूं जोड़न लई, ठीक है, टेप नूं जोड़न लई, ठीक है। ये जिहड़ा आ आपां लिंकिंग मशीन द्वारा ही काम करते हैं। जे गले नूं आपां सिलाई मशीन नाल स्टिच करता तो वो ग्रेस खत्म हो जानी, लुक खत्म हो जानी, मार्केट वैल्यू खत्म हो जानी है। लिंकिंग का मतलब लिंक करना, कुंडिया आपस में इस तरह लिंक करना, ठीक है। आप जो पल्ले आ कोई भी दो पल्लियां जोड़ना वो लूप टू लूप जोड़े फसा के वेद धागा जोड़ा इंसर्ट करना, उन्हें लूप की वो शेप दे देनी है, उन्होंने लिंक कर देना। अपन सिलाई ना बराबर जी नज़र आनी ना वह उभार नज़र आना, बिल्कुल दबिया हुआ इक्वल पीस नज़र बराबर पीस नज़र आऊगा। ये है लिंकिंग का काम। इसलिए हरेक मशीन का अपना रोल है, सिलाई मशीन का अपना जोड़ा रोल प्ले करती है, ओवरलॉक अपना रोल प्ले करती है, फ्लैट लॉक अपना प्ले रोल प्ले करती है, लिंकिंग अपना प्ले करती है। इसलिए आप यही नहीं कहेंगे कल्ली सिलाई मशीन नाल ही आप वस्त्र जोड़े आ वस्त्रों गारमेंट की शेप दे देंगे या कपड़े नूं गारमेंट की शेप दे देंगे, नहीं। अपन एक गारमेंट वधिया बनाने लई सारिया मशीनों की सपोर्ट लैनी पैंदी है, फिर एक गारमेंट वधिया बनता, क्योंकि जिहड़ी मार्केट आ कॉम्पीटिशन आ। और अज दे विच जिहड़ा कस्टमर आ बहुत ही स्मार्ट आ, उन्होंने चाहिए बिल्कुल फिनिशिंग। और जे आप ब्रांड भी चले जाइए चाहे वह नैशनल आ इंटरनेशनल, उन्होंने किसी किस्म की गलती पसंद नहीं, ठीक है। इसलिए आपां नूं बहुत ही फिनिशिंग का ध्यान रखना पैंदा आ क्योंकि अपना लाइन सारी रिलेटेड टू फैशन डिजाइनर, ठीक है। आपां ने एक गारमेंट नूं बहुत वधिया ढंग नाल डेकोरेट करना, बहुत वधिया ढंग नाल स्टिच करना आ ताकि उहदी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बने। मार्केट वैल्यू ज़्यादा बनेगी, सेल ज़्यादा निकलूगी, सेल ज़्यादा निकलूगी, अपना काम जिहड़ा वधिया हो अपनी भी मार्केट वैल्यू बनेगी, ठीक है। जे अपने पीस वधिया बनाया, वधिया डेकोरेट किया, उहनूं
वधिया उन्हों सिलाई की वधिया मशीनों की वरतों करके उन्होंने मार्केट में लैके आए हैं तो जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट बनाया वो वैल्यू भी बधूगी प्लस जिन्हें बनाया किने बनाया आप लोगों ने बनाया अपनी भी वैल्यू जी नालों नाल बनूगी क्योंकि प्राइवेट सैक्टर जोड़ा या ज़्यादा इस फील्ड में ज़्यादा प्राइवेट सैक्टर है प्राइवेट सैक्टर में आपको डे बाई डे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया तो बैटर करना पाऊगा बैटर करने आपको ये सारिया चीज़ा सारिया मशीनों की सपोर्ट लेनी पैनी ही जोड़ा है अपनी वैल्यू गारमेंट की वैल्यू बनी तो कस्टमर परचेज करेगा ठीक है तो ये ही ब्रांड नैशनल इंटरनेशनल ब्रांड वो भी जोड़े आ सैटिस्फाई हो गए तो इसलिए आपको फिनिशिंग का जोड़ा बहुत ही ध्यान रखना पैदा इसलिए कल सिलाई मशीन की वरतों ना करके सिलाई ओवरलॉग लिंकिंग फ्लैट लॉग सारिया मशीनों की वरतों करके ही आप एक वधिया गारमेंट तैयार कर सकते हैं पर एक लास्ट मैं कहूँगा लिंकिंग की वरतों विंटर गारमेंट ही होनी है पुलओवर कार्डिगन कुर्ती इन ही आपने जोड़ा वरतों करनी है जी बाकी मशीन वो स्पोर्टिंग ने वरतों में आनी है गर्मियों भी सर्दियों भी ठीक है तो इस तरह आप नया टॉपिक लैके कल फिर थोड़े सामने आवा